लिमरा न्यूज, हम दिखाते हैं सच, देश प्रदेश की सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिमरा न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियां सपा बसपा कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दिया है। गोरखपुर शहर सहित यूपी की सियासत और सीटों पर अपने ओजस्वी और आक्रामक भाषणों से असर डालने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ की तिलमिलाहट को विपक्षी पार्टियां कैसे तोड़ पाएंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गोरखपुर शहर के विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद की सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। यूपी योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की घोषणा के बाद विपक्षी पार्टियों ने चुप्पी साध ली है। सपा बसपा और कांग्रेस ने अभी तक नामों का ऐलान भी नहीं किया है। वहीं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने ऐलान किया है कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ को हरा देंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के विजय कुमार श्रीवास्तव को प्रत्याशी घोषित करके कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार आम आदमी भी अपना झंडा लहराएगा। गोरखपुर क्षेत्र के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह कहते हैं कि लोग पूरी तरह से तैयार हैं, बूथ ब्लॉक और पन्ना प्रमुख के माध्यम से घर घर पहुंच रहे हैं। वो कहते हैं कि इसके माध्यम से गोरखपुर क्षेत्र में 62 विधानसभा में 50 से अधिक सीटें हम जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली बार 46 विधानसभा सीटों पर हमने जीत हासिल की थी, इस बार अधिक लक्ष्य है। आपको बता दें, धर्मेंद्र सिंह ने दावा किया है कि गोरखपुर की सभी 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का परचम लहराएगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं और प्रदेश की जनता ने ठान लिया है कि बीजेपी सरकार बनाकर इस बार योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। उन्होंने कहा, यूपी में विकास के अनेक कार्य हुए हैं, गोरखपुर भी विकास के पथ पर अग्रसर है। ऐसे में जनता ने योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने का फिर से मन बना लिया है। लिमरा न्यूज़ के लिए अंकित तिवारी की रिपोर्ट।